नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का इस चैनल में फिर से आपका एक स्वागत है। मैं लाया हूँ आज फायरबोल्ट का फेनिक्स स्मार्ट वॉच, और वो भी कॉलिंग वॉच है। काफ़ी अच्छा वॉच है, इसे मैंने परचेस किया है। 2 दिन हुए हैं मुझे मिले हुए, तो मैंने ये ऑफ़र चल रहा था इसमें तो अमेज़न में, तो मैंने ये परचेस किया है। 1999 का इसकी प्राइस है और काफ़ी अच्छा है। इसकी स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है, आप तरह तरह के डायल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और देखने में थोड़ा प्रीमियम लुक आ रहा है। इसकी जो खासियत है वो बहुत अच्छी, मतलब जो अभी लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या है। मैंने इसको यूज़ कर लिया है, 1 दिन हुए मुझे यूज़ करे हुए। तो देखते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं फायरबोल्ट का फिनिक्स। इसका ये देखिए डिज़ाइन इस टाइप दिया है। ये 1.3 इंच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ है और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। जो नॉर्मल हम वॉच लेते हैं 22 mm या मतलब 40 mm का जो वॉच होता है ना, स्क्रीन पूरा फुल डायल, वैसे उसी टाइप का 1.3 इंच का इसका स्क्रीन है। तो इसमें दे सकते हैं, बैक साइड में इसमें दिया हुआ है, ये आप दे सकते हैं। HP O2 का मोनिटराइज है, स्मार्ट नोटिफिकेशन है और कैमरा कंट्रोल है और हार्ट रेट ट्रैकिंग है और IP60 वाटर रेसिस्टेंट है। तो आप पानी में अगर जैसे ऐसे गलती से गीला हो गया, कुछ हो गया, किसी में गिर गया, तो ये मतलब 15 मिनट तक तो 20 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। मतलब हल्का हल्का तो ठीक है, मतलब गिर गया पानी तो चल जाएगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें वेदर का भी अपडेट दिया हुआ है और जो स्लीपिंग मोड है वो भी काफ़ी अच्छा है, और 240x240 पिक्सल रेसोलेशन है, काफ़ी अच्छा है। इसका जो पिक्सल है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ज़्यादा जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो फायरबोल्ट का जो पहला स्मार्टफोन था आया था तो वो काफ़ी पिक्सल थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं था, बट इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है और ब्लूटूथ कॉलिंग तो सपोर्ट है ही है। तो ये दे सकते हैं, स्लीपिंग मोड का भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और ये मुझे इसका जो डिस्प्ले है वो अच्छा लगा। इसके प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस तो इसका 9999 है, बट ये 1999 में इसका लॉन्च हुआ है प्राइस रेंज। तो हो सकता है मे बी इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़े, तो इससे पहले अगर परचेस करना चाहते हो तो इस वॉच को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायरबोल्ट टॉक 2 है जो है सिमिलर इसका, वैसे ही है। लुक वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रीमियम है और उससे इसमें थोड़ा दो तीन ऑप्शन मतलब फंक्शन जो है अच्छा है। तो ये जिसका साइड है फायरबोल्ट, और इसमें देख सकते हैं सेम 1.3 का राउंड डिस्प्ले है और बाकी ब्लूटूथ कॉलिंग है, स्पोर्ट्स मोड है, इसमें 100+ स्पोर्ट मोड है और मेटल बॉडी है और IVS असिस्टेंट है। तो ये रही इसका स्पेसिफिकेशन, और ये QR कोड दिया हुआ है नीचे, तो ये आप स्कैन करके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में। ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं। मैंने इसे पहले ही ओपन कर दिया था, तो ओपन करा तो इसमें एक चार्जिंग केबल है जो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी क्वालिटी का ही है, मतलब बढ़िया है, मैग्नेटिंग है, अच्छे मैग्नेट ग्रिप है। और इसके साथ में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, एक नोटबुक दिया, मतलब ये दिया हुआ है मैनुअल। तो मैनुअल में इसमें सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरी मैनुअल है। और इसके बाद में कुछ कार्ड है, जैसे इसमें दिया हुआ है ये तीन चार कार्ड है मेरे पास। तो पहला कार्ड जो है ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये सॉन्ग गाना ऐप डाउनलोड करके 3 मंथ का इसमें आप मंथ का सब्सक्राइब वो पा सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और एक दिया हुआ है इसमें ये बुक माई शो का ऐप है, और एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 साल की और वारंटी मिलता है। इसका जो स्ट्रैप तो है ये दे सकते हैं वो वॉच, सिलिकॉन और का इसकी है जो जो मोबाइल के जैसे स्ट्रैप है कवर होता है सिलिकॉन ना। का है, रबर मिक्स है और मेटल बोर्ड की है, बैक साइड प्लास्टिक है, साइड में ये टर्न दिया हुआ है, बट ये घुमाने पे इसे नहीं, इसमें कुछ नहीं होता घुमाने से, इससे से बटन से होता है, बंद स्विच ऑफ और बंद ओपन और क्लोज। तो ये विराट कोहली इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसकी फ़ोटो पहले लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं डायल इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, आप डायल को क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं इस टाइप के अलग अलग अपनी पसंद के, सबसे ज़्यादा जो डायल यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें 10 डायल्स दिए हुए हैं, जो सेकंड वाला डायल्स है वो आप चेंज कर सकते हो अपनी इमेज या कुछ, मतलब जो भी लगाना हो वो लगा सकते हो। और उसके बाद अगर आप इसके अलावा अगर और यूज़ करते हो तो आपको फिर एक डायल, 10 में से 1 डायल आपको ऑटोमेटिक हट जाता है। ये डायल मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने इसे इंस्टॉल किया है, तो ये डायल मुझे रेड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था, इससे थोड़ा सा मतलब ऐसा लुक आ रहा है जैसे प्रीमियम प्रीमियम लुक। तो पहनने बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वॉच, और कंफर्टेबल भी है। इसकी जो स्ट्रेप है वो बहुत ही सॉफ्ट है और इसका जो वेट है आपको पता ही है, 48 ग्राम्स का है, 48 या 49 के समथिंग।
तो लाइट वेट है, और इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की खासियत ये कर्व डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले की बात करें तो बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके अन्य फीचर की, तो स्टेप के बारे में देखें तो स्टेप में आप देख सकते हैं इसमें स्टेप कितने हुए, और ये स्लीपिंग मोड है ऑप्शन है, और एक ये वाई साइकिल है जो भी आप, और इसके अलावा आप देख सकते हैं डिसेंट डायल पैड और कॉन्टेक्ट है, और ये डायल भी कर सकते हैं इस टाइप में, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इस टाइप में। और वो AI वॉइस का असिस्टेंट ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें, टॉक का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, हेल्थ का दिया हुआ है, स्टेप का दिया हुआ है इसमें काफ़ी, वेदर का भी दिया हुआ है जो पूरे वीक का आपको मिल जाता है, तो इस टाइप में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। और ये शटर का दे रखा है जो आपका मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करने में काम आता है। तो ये ऐप प्लेयर्स का दिया हुआ है इसमें, आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, ब्रेथ का दिया हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है, और बाकी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी। तो ये नीचे से ऊपर करने में नो मैसेज है, मतलब ये सारे मैसेज आएंगे जो आपके ऑफ ऑन, मतलब व्हाट्सएप वगैरह जितने भी है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह सब उसमें आपका मिलेगा। और ये देख सकते हैं इस टाइप में इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस टाइप में राउंड शेप में जो इसका जो आइकॉन है काफ़ी अच्छा है। देखते हैं इस टैब में क्लिक करते हैं गेम में, इसमें अब दो गेम मिल जाता है, यंग बर्ड्स और ये टू बर्ड, तो ये यंग बर्ड्स खेलने में ठीक है, काफ़ी अच्छा है, तो इस टाइप का गेम है। तो आप ये देख सकते हैं इस टैब में क्लिक करने पे राउंड सा जो होता है ये काफ़ी अच्छा लगा। एक्सरसाइज की बात करें स्पोर्ट्स मोड में आपको 100 मिल जाता है, जो ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आपको ओपन करके जो लगाना हो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि डांसिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं इस टाइप में, और भी ऑप्शन है, फंक्शन बहुत है इसके अंदर। तो ये सब था, ऊपर से आप डाउन करने पे आपको सेटिंग और ये ब्राइटनेस और ये आपको वाइब्रेशन टॉर्च का ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें, आपको जो नेटवर्क है ये भी है, ये बैटरी का जो है सेवर मोड मिल जाता है, टॉर्च में देखेंगे आप इस टाइप में तो आपका ये अंधेरे में काम करेगा, बहुत ही अच्छा है भी इसे। अलार्म की बात करें तो अलार्म में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, मेन्यू में दो ग्रिड है, एक ग्रिड है एक लिस्ट है। तो ब्राइटनेस की बात करें, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है इसका, आप दिन में आराम से इजली देख सकते हैं, टाइमर भी दिया हुआ है, और फोन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसमें, कॉल रिसेट ऑप्शन है, वाइब्रेशन ऑन थिएटर रिसेट पावर ऑफ, ये सब ऑप्शन है, QR कोड दिया हुआ है ऐप डाउनलोड करने के लिए, बैक करने के लिए ये बटन का यूज़ करेंगे। फाइनली इस वॉच को देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लुक अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी है, और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, हल्का वेट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू दिस वॉच वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लाइक और शेयर कमेंट करें मुझे कि ये वॉच आपको कैसा लगा, और इसे परचेस करने में मतलब ठीक है या नहीं है आप मुझे बताएं, और आपको क्या कमी लगी ये भी बताइए। तो मुझे तो ओवरऑल एक ही कमी लगी, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि सिम वाली स्मार्ट वॉच जो इसमें सिम लग जाए, बस इसी का वेट रहेगा, बाकी शेयर और लाइक जरूर करें।